आप देख रहे हैं पीपीए 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार में 10 रुपए में 1 लीटर मिलेगा डीजल पेट्रोल, मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरे से होगा तैयार। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुजफ्फरपुर में प्लास्टिक कचरे से डीजल पेट्रोल बनाने के लिए मशीन लगाई गई है। इसका उद्घाटन बिहार सरकार के मंत्री राम सूरत राय ने किया है। खबर के अनुसार मुजफ्फरपुर में कुढ़नी के खरौना में ये प्लांट लगाया गया है। इस प्लांट में प्लास्टिक के कचरे से डीजल पेट्रोल तैयार किया जाएगा। 10 रुपए की लागत से इस प्लांट में 1 लीटर पेट्रोल डीजल तैयार किए जाएंगे। ये देश का पहला ऐसा प्लांट होगा जहां प्लास्टिक कचरे से डीजल पेट्रोल बनेंगे। कैसे बनेगा डीजल पेट्रोल? मिली जानकारी के अनुसार प्लास्टिक के कचरे को सबसे पहले मशीन की सहायता से ब्यूटेन में बदला जाएगा। इसके बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा। फिर 400 डिग्री सेल्सियस तापमान में डीजल तेल बनाया जाएगा। वहीं 800 डिग्री सेल्सियस तापमान में पेट्रोल तैयार होगा। आपको बता दें कि प्लास्टिक के कचरे से पेट्रोल डीजल बनाने का रिसर्च देहरादून के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की ओर से किया जा चुका है। इसका पहला प्लांट बिहार के मुजफ्फरपुर में लगाया गया है। बहुत जल्द यहां से पेट्रोल डीजल तैयार होगा।